दोस्तों कहानी शुरू होती है उस सुंदर व वफादार घोड़ी से जिस पर राजा अपनी जान छिड़कता था। घोड़ी भी राजा से बेइंतहा प्यार करती थी। जब भी उस राजा को किसी युद्ध की चुनौती मिलती तो वह उस घोड़ी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलता और विजयी होकर लौटता। घोड़ी भी राजा को विजयी बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देती। कई बार ऐसा भी हुआ कि बड़े व भीषण युद्ध में घोड़ी ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए राजा के प्राण बचाए। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में जश्न का माहौल था, क्योंकि राजा की घोड़ी ने एक सुंदर नन्हे बच्चे को जन्म दिया था। राजा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर यह घोड़ा भी मेरी तन मन धन से सेवा करेगा। पर किसी को क्या पता था कि वह बच्चा, जो शरीर से हिस्पुष्ट सुडौल व सुंदर दिखने वाला, दरअसल एक आँख से काना है। जब घोड़ी का बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत ही बलवान व शक्तिशाली हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हुआ? तो घोड़ी बोली, बेटा, जब तू मेरे पेट में था और युद्ध के लिए मैं सरपट भाग रही थी, उस समय अचानक मेरा पैर फिसल गया और राजा गिर पड़े। गुस्से में आकर राजा ने मुझे कोड़े से पीटा, उसी चोट की वजह से तेरी एक आँख चली गई। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर घोड़े को राजा पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से बोला, माँ, एक न एक दिन मैं राजा से इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा। माँ ने घोड़े को मना करते हुए बोला, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वह हमारे पालनहार हैं। आज जो तू सुंदर व स्वस्थ है उन्हीं की कृपा से है। यदि राजा को एक बार क्रोध आ भी गया तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम उनके एहसानों को भूलकर उनके साथ एहसान फरामोशी करें। पर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया और उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली और उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगा। और एक दिन यह मौका उसके हाथ आ ही गया। दरअसल उस दिन घोड़ी बीमार थी और राजा को युद्ध के लिए जाना अत्यंत आवश्यक था। ऐसी दशा में राजा को घोड़े को लेकर युद्ध के लिए निकलना पड़ा। युद्ध के दौरान राजा लड़ते लड़ते बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके शत्रुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ऐसी दशा में अब राजा के प्राण बचना असंभव दिख रहा था। तभी वह घोड़ा शत्रुओं के घेरे को तोड़ता हुआ राजा तक जा पहुंचा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए राजा को उठाया और उन्हें सकुशल महल तक ले आया। उसकी बुद्धि, विवेक व शक्ति की बदौलत ही राजा के प्राण बच पाए। जब घोड़े की माँ को इस घटना की जानकारी हुई तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हुई। घोड़े ने अपनी माँ से कहा, माँ, युद्ध में राजा से बदला लेने का बहुत ही अच्छा अवसर था, पर युद्ध के दौरान मुझे बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही मैं बदला ही ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी, बल्कि राजा को शत्रुओं से घिरा देखकर मेरा खून खौल उठा और मन में बस यही चल रहा था कि मुझे किसी भी तरह राजा की जान बचानी है, भले ही मेरी जान चली जाए। यह कहकर घोड़ा रोने लगा। तब घोड़ी ने मुस्कुराकर गंभीरता से बोला, बेटा, तेरे खून व संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता और नमक हरामी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तेरी नस्ल में भी तेरी माँ का ही अंश है। वास्तव में आज जो तूने किया वह तेरा फर्ज था, और अगर फर्ज निभाने में तेरी जान भी चली जाती तो मुझे तुम पर फख्र होता। दोस्तों, जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है, और अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज़्यादा संवारोगे आपकी चमक उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे, आपका उत्तम व्यवहार आपको सफलता की चोटी पर ले जाएगा, वहीं आपका निम्न व्यवहार आपको असफलता की गहरी खाई में ढकेल देगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।